यहाँ पर जब तुम पैदा हो जाते हो, जब से तुम यहाँ पर पैदा हो जाते हो तब से सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, तुम मानो या ना मानो। हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा जरूर लेंगे, बट एट वन पॉइंट तुम्हें भी रियलाइज होगा कि हाँ वो भी इंसान ही एट द एंड, तो तुम्हारी जिम्मेवारी तुम ही ले सकते हो। कौन ले सकता? तुम, सिर्फ तुम ही ले सकते हो और कोई नहीं लेगा। आई नो लेनी चाहिए, बट सब पे अपनी ही बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, वो तुम्हें कैसे टाइम दे? तो तुम्हें अपने आप को टाइम देना है, समझ रहे हो, खुद को टाइम दो। हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है, बड़े लाड़ से रखा जाता है, बड़ा प्यार किया जाता है, कभी कभी गलतियों पर डांट भी दिया जाता है, तो कभी कभी शरारतों पर हमें मार भी दिया जाता है, और फिर हमारे रोने पे हमें पुचकार दिया जाता है और बड़े प्यार से समझा दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे रोया थोड़ी जाता है, तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कैद कर दिया जाता है, तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे दिमाग में बांध दिया जाता है, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पे जज की जाती है, तो तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से ही बता दी जाती है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी बांझों से नाप ली जाती है, तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शक्ल से ही समझ ली जाती है, तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम पर हंसा जाता है, तो तुम्हारी सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है, तुम्हारे प्यार को कितना इजीली चुतियापा कह दिया जाता है, तो तुम्हारी की गई चीजों को पागलपन समझ लिया जाता है, तुम्हारे दिल टूटने पर हाथ में मदीरा थमा दिया जाता है, तो तुम्हारे अधूरे प्यार को कटवा लिया का टैग दे दिया जाता है, तुम्हारे फीलिंग्स का गला घोट दिया जाता है, तुम्हारे इमोशंस को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, और बड़ी सरलता के साथ कह दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे टूटा। सर कितने और नए कबर्ड्स बनाना पड़ेंगे इसे इसे अवार्ड्स रखने के लिए आपको? फिर मैं सही बताऊं तो मैं अपने अवार्ड्स ऐसे कबर्ड में नहीं रखना चाहता, मैं एक अलग स्पेशल चीज बनाऊंगा, नॉट लाइक अ कबर्ड बट एक ऐसी शेल्फ बनाऊंगा, प्रॉपर कबर्ड नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ और ही बनाऊंगा, अभी मेरे पास आइडिया नहीं है मैं क्या बनाऊंगा, बट समथिंग डिफरेंट। यार स्पोकन लाइक अ ट्रू विनर, बट कैरी व्हाट डज दिस अवार्ड मीन टू यू एंड हाउ इज इट गोना मोटिवेट यू टू क्रिएट ग्रेटर एंड न्यू कंटेंट फॉर योर ऑडियंस? ये जो अवार्ड है बेसिकली जो मैं स्ट्रीम्स करता हूँ अपने लाइव स्ट्रीम पे, उससे जितनी चैरिटी हम जनरेट करते हैं उस चीज़ के लिए, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से ये अवार्ड मेरा नहीं है, आई थिंक ये लोगों के लिए अवार्ड है, बिकॉज जितने भी लोगों ने मेरी स्ट्रीम के वक्त मेरे को डोनेट किया है ताकि हम एक या तो एक नेचुरल डिजास्टर हो या फिर कोई भी अटैक्स हो तो उनके लिए हम पैसे रेज करें, जिससे ओवरऑल हमारी जो कंट्री है उसको हम हेल्प कर सकते हैं, तो आई थिंक ये मेरे हिसाब से अवार्ड मेरा नहीं है, ये सबका है, मेरी पूरी ऑडियंस का, ये लोगों का अवार्ड है मेरा नहीं है। तो मैं अपने तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, पहले एक बेस बना लो, जैसे कि मैंने अपने चैनल के बारे में तब तक नहीं बताया था जब तक मेरे कुछ 40,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो गए थे, उससे पहले तक मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं था मैं क्या करता हूँ, जब 40,000 सब्सक्राइबर्स हुए तब मैंने मम्मी पापा को बोला कि अच्छा मैं ये सब करता हूँ, और उस टाइम कह रहा हूँ मतलब यूट्यूब की पहली पेमेंट आई थी कुछ मेरी, और वो पापा ने देखा, पापा ने कहा चल कर, चल चल चलो बेटा चलो बेटा। अपनी कोई भी तुम कुछ भी बना रहे हो उसको अपना 110% दो, अच्छी जाती नहीं जाती वो अलग बात है, लेकिन तुम अपनी तो एफर्ट्स दो, ताकि तुम बाद में ये ना सोचो यार कि काश इसके अंदर मैं ये कर देता। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार जो भी रिस्पॉन्स आया मैंने अपना पूरा दे दिया, बाकी यार अब नहीं चला तो नहीं चला, आगे बढ़ो, हैपेंस। जिंदगी खूबसूरती से निकल गई, दिल बेचारा महसूस करना चाहता था, जिन पलों को मैंने जिया है उन्हें फिर जीना चाहता था। देखो डिप्रेशन और ये चीजें, एंग्जाइटी मजाक की बात नहीं है, ये फेज आई थिंक सबकी लाइफ में आएगा ही आएगा कभी ना कभी, जब तुम्हें एंग्जाइटी होगी, तुम्हें डिप्रेशन होगा, तुम एक लो पॉइंट पे आओगे, बट आई वुड से जब ये लो पॉइंट्स आने बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें स्ट्रांग बनाएंगे, तुम्हारे पास जब जितनी प्रॉब्लम से तुम डील करोगे उतने तुम स्ट्रांग बनोगे और तभी तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तो प्रॉब्लम से डरो मत, उसे फेस करो, उसे बोलो आ जा मैं आता है, तू भी आ, दोनों लड़ेंगे मिलके, और फिर देखो हैप्पी एंडिंग हमेशा होती है, रिमेंबर दिस। इफ यू थिंक यू आर बैड आई एम योर डैड।